सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी सचिन में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी कैटेगरी बताएंगे जो कि भैया YouTube पे मोनेटाइज नहीं की जाएंगी, और यदि आप उन कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो आपको उन कैटेगरी को अभी छोड़ना पड़ेगा। तो भैया, यदि आप जानना चाहते हैं वो जो कैटेगरी है जो मोनेटाइज नहीं होंगी यूट्यूब पे, तो भैया आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहूंगा, क्योंकि मैं आपको पूरा वीडियो समझाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि वो जो कैटेगरी है भैया वो कौन सी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं, आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। चलिए बताते हैं भैया, यदि आप YouTube पे काम कर रहे हैं और यदि आपने कैटेगरी बना रखी WhatsApp स्टेटस या रिंगटोन की, तो भैया यही वो दो कैटेगरी हैं जो कि YouTube पे मोनेटाइज नहीं की जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप लोग कुछ लोग ये भी बोलोगे कि यार भैया, हम तो YouTube पे मतलब कि देखते हैं, कुछ चैनल है जिनपे लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख सब्सक्राइबर है, व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं, और वो बता भी आप सकते होंगे, कभी ना कहीं आपको पता भी चला होगा कि यार वो काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो भाई मैं बता दूं, उनका जो चैनल होगा वो भैया होगा 2019 से पहले से पहले का, मतलब कि 2019 के पहले वो चैनल बनाए रहे होंगे भैया, उस पर काम करते रहे होंगे और वो मोनेटाइज हो गया होगा। लेकिन भैया, अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, अब उनके चैनल पे उनकी अर्निंग नहीं होती होगी, वो अपना टॉपिक चेंज कर चुके होंगे भैया वीडियो बनाने का, या ना भी करते होंगे तो भैया उनका चैनल धीरे धीरे हो जाएगा बंद। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले भैया क्या होता था, आप YouTube पे आए, किसी भी टॉपिक मतलब कोई भी मतलब वीडियो आप बनाए, उसको डाल दिए भैया, वो मोनेटाइज हो जाती थी और आप उससे अर्निंग कर पाते थे, वो भैया उस पर ऐड आते थे। लेकिन अब क्या होगा भैया, अब 2020 में भैया मतलब कि आप अगर कोई भी फालतू की वीडियो YouTube पे डालोगे, कोई भी फालतू का टॉपिक डालोगे वीडियो पे अपना बना के YouTube पे, तो भैया मोनेटाइज कतई नहीं होगा और आप उस पर टाइम खराब करोगे, आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा, आप उस पर अर्निंग भी नहीं कर सकते हो। यही सबसे बड़ी बात है भैया, यही आपको बताना था, क्योंकि भाई मुझसे भी ये गलती हो चुकी, आप फिर से साइड में देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे चैनल, ये जो चैनल है भाई ये मेरा ही है। शुरुआत में मैंने भी, मुझे कुछ पता नहीं होता था, और मैं मतलब YouTube पे जो जब आया तो वहाँ पे भैया मैंने रिंगटोन की एक चैनल बना लिया, और एक चैनल रिंगटोन का देखा था भाई, तो मैंने उसी से थोड़ा मतलब मोटिवेट होके यहाँ पे भैया मैंने बना लिया रिंगटोन कैटेगरी का चैनल, और अच्छी अच्छी रिंगटोन बना के डालने लगा, और मेरे उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए थे भाई, और उस पर व्यूज भी अच्छे खासे आते थे। लेकिन जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा तो भैया मोनेटाइज नहीं हो पाया, रीजन रियूज कंटेंट पॉलिसी लग गई है। तो भैया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसी कैटेगरी चैनल मत बनाइए जो कि मोनेटाइज ना हो, क्योंकि भाई जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे कुछ पता नहीं था, और भाई जब मैंने एक दो महीने काम किया उसके बाद मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा शंका होने लगी, शायद मेरा चैनल ना मोनेटाइज हो, तब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि यदि हम बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह यूज करते हैं, रिंगटोन चैनल, व्हाट्सएप स्टेटस चैनल, ये मोनेटाइज होंगे या नहीं। तो भैया मुझे कोई भी एक भी ऐसा मतलब एग्जैक्ट वीडियो नहीं मिला, और ना ही किसी ने मुझे ऐसा बताया एग्जैक्ट कि भैया यदि आपका स्टेटस या रिंगटोन का चैनल है तो मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका चैनल कतई नहीं मोनेटाइज होगा अगर रिंगटोन और स्टेटस वगैरह डीजे रिमिक्स वगैरह के चैनल हैं। मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूँ, आप कुछ भी मुझे सोचिए कि यार ये हमको डिमोटिवेट कर रहा है, या हमको यूट्यूब पे हम चैनल बनाया तो हमको भड़का रहा है, आप कुछ भी सोचिए, और यदि आपको विश्वास नहीं हो आज मुझे आप उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो आप सोचो कि यार मैं बेकार में मेहनत कर रहा था, वो बंदा मुझे बताया तो मैं समझ लिया होता तभी तो भी मुझे अच्छा था, इतना मेहनत ना करना पड़ता आज तक। तो आप लोग अभी समझ जाइए भाई कि आप इन कैटेगरी चैनल मत बनाइए, और यदि आप YouTube पे आना ही चाहते हैं कोई अच्छा टॉपिक, कोई अच्छी कैटेगरी चैनल लेके आइए और यहाँ पे अपना फेस वैल्यू बनाइए, आप अच्छे से इस पे अर्निंग करेंगे, अच्छे वीडियो भी डालिए, तभी आप YouTube पे सक्सेस हो पाएंगे। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, मुझे मतलब आप लोगों को बताना था कि यदि आप लोगों ने ऐसे कैटेगरी चैनल बना रखे हैं कि मोनेटाइज नहीं होंगे, और आपको मतलब नॉलेज प्रोवाइड भी कराना था, क्योंकि बहुत से मेरे पास मतलब ऐसे कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी कर दिए थे इंस्टाग्राम में कि यार हमारे रिंगटोन चैनल या स्टेटस चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बस फ्रेंड्स इतना ही आज की वीडियो में, फ्रेंड्स आई होप आप लोग वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके लेकिन और प्रेस के लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हमेशा इस तरह वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।